आप लोगों ने कभी ना कभी एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में सुना ही होगा और कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट रॉकी बॉडीज का एक बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी और साथ ही आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट में इतने सारे रॉक्स हैं तो स्पेसक्राफ्ट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट को इतनी आसानी से कैसे पार कर लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। अभी से करोड़ों साल पहले जब प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे थे तो उस टाइम सोलर सिस्टम अभी के जितना स्टेबल नहीं था। उस समय सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा हलचल थी, प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनके टकराव की वजह से काफी सारे पत्थर स्पेस में फैल जा रहे थे और इनमें से ही कुछ पत्थर मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में आके सेटल हो गए और एस्ट्रॉइड बेल्ट फॉर्म कर लिए। लेकिन अपने फॉर्मेशन के 1 करोड़ साल के अंदर तक में ही एस्ट्रॉइड बेल्ट दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपना 99.9% मास लूज कर दिया और जो अभी हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट देख रहे हैं उसका मास अपने ओरिजिनल मास से 0.1% ही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एस्ट्रॉइड बेल्ट डिस्कवर कैसे हुआ था। दोस्तों, एक लॉ है जिसे हम टाइटियस बोर्ड लॉ कहते हैं। वो लॉ सन से प्लैनेट्स की डिस्टेंस पता करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले आप इन नंबर्स को देखिए, आपको इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। सबसे पहले 0 है, फिर 3 है और फिर उसके बाद हर नंबर अपने पिछले नंबर का डबल है, जैसे कि 3 के बाद 6, फिर 12, फिर 24 एटसेट्रा। तो जैसे कि सबसे पहला नंबर हम लोग 0 लेते हैं, उसमें अगर हम 4 ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा और ये सन से मरकरी तक का डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। मैं आप लोगों को बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन से अर्थ तक का डिस्टेंस है, तो सन से मरकरी तक का डिस्टेंस 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। वैसे ही इस सीक्वेंस में जो दूसरा नंबर है वो है 3 और अगर हम लोग 3 में 4 ऐड करके 10 से डिवाइड कर दें तो वो सन से वीनस तक का डिस्टेंस बताता है जो कि है 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ऐसे ही अगर हम लोग मार्स का देखें तो वो फोर्थ प्लैनेट है और इस नंबर सीक्वेंस पे फोर्थ नंबर है 12, इसमें हम लोग 4 ऐड करके 10 से डिवाइड करें तो 1.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स डिस्टेंस आता है जो कि काफी हद तक एक्यूरेट है। तो इसी तरह से जब जुपिटर का डिस्टेंस निकाला जा रहा था तो वो इस लॉ के मुताबिक 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बता रहा था जबकि उसका ओरिजिनल डिस्टेंस 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। तो इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को ये लगा कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में कोई ना कोई प्लैनेट जरूर होगा जो कि अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है और उसकी डिस्टेंस सन से 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टाइटियस बोर्ड लॉ बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये केवल मरकरी से लेके यूरेनस तक का डिस्टेंस बताने में सक्षम है, उसके आगे ये लॉ फेल हो जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता लगा कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में भी कुछ ना कुछ मौजूद है तब उन्होंने उस रीजन में रिसर्च करना स्टार्ट किया और फिर सन 1801 में गॉसेप पियाजी नाम के एस्ट्रोनॉमर ने एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड ढूंढा जिसे आज हम लोग सेरेस कह के बुलाते हैं। और सेरेस एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड होने के साथ साथ एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है। और फिर उसी रीजन में और रिसर्च करते हुए 1802 में उन्हें पैलेस नाम का एस्ट्रॉइड मिला और फिर उसके बाद 1804 में जूनो मिला और इस तरह एस्ट्रॉइड बेल्ट डिस्कवर हुआ था। अब मैं आप लोगों को एस्ट्रॉइड्स के टाइप्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला टाइप है सी टाइप, जिसे हम कार्बोनेशियस टाइप एस्ट्रॉइड कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता ही चल रहा होगा कि इन एस्ट्रॉइड्स में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस टाइप के एस्ट्रॉइड्स अभी तक खोजे गए एस्ट्रॉइड्स का 75% है। अगला टाइप है एस टाइप एस्ट्रॉइड, जो कि सिलिकेट रिच होते हैं। सिलिकेट एक सिलिकन और ऑक्सीजन से मिलके बनने वाला केमिकल कंपाउंड है। और दोस्तों, ये जो एस टाइप एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये एस्ट्रॉइड की पॉपुलेशन का 17% होते हैं। और अगला टाइप है एम टाइप या फिर मेटल रिच एस्ट्रॉइड्स। नाम से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि इन एस्ट्रॉइड्स में मेटल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और एम टाइप एस्ट्रॉइड में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है साइचे 16 या फिर 16 साइचे, और इसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन और निकल जैसे वैल्यूएबल मेटल्स में काफी ज्यादा रिच है। और इन सब के बाद एक और टाइप आता है जिसे हम कहते हैं वी टाइप एस्ट्रॉइड्स या फिर बेसाल्टिक एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स बेसाल्ट रॉक से बने होते हैं। दोस्तों, बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक होता है जो कि मैग्नीशियम और आयरन में काफी ज्यादा रिच होता है और ये पूरे एस्ट्रॉइड पॉपुलेशन का केवल 6% हिस्सा बनाते हैं। और अब बारी है आज के मेन क्वेश्चन की कि एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में ट्रिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं, उसके बावजूद स्पेसक्राफ्ट्स इतनी आसानी से उसके पार कैसे चल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भले एस्ट्रॉइड बेल्ट में ट्रिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं लेकिन उनका साइज कंकड़ से लेकर के सेरेस जैसे बड़े ड्वार्फ प्लैनेट तक है और ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स एक कंकड़ जितने बड़े ही हैं। और दोस्तों, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट का लेंथ है वो 2 से 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक है लेकिन जो उसका मास है वो हमारे मून के मास का भी केवल 4% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितने बड़े एरिया में केवल हमारे मून का 4% मास जितना एस्ट्रॉइड्स है तो वो एक दूसरे से कितने ज्यादा दूर होंगे।
ऊपर से वो साइज में भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो यही कारण है कि स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट को बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। और किसी ने एक लाइन कही है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार करना उसमें एस्ट्रॉइड ढूंढने से भी बहुत ज्यादा आसान काम है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की वीडियो से एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।